हेलो नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्ल्ड एंड बियॉन्ड। दिस इज आवर एपिसोड 3 ऑफ आवर बनारस सीरीज। लास्ट एपिसोड में हम थे मणिकर्णिका घाट और जैपनीज टेंपल। तो दोस्तों आइए करते हैं वीडियो शुरू। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आइए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों पहले हम जैपनीज टेंपल थे, अब हम स्तूपा देखने आ चुके हैं जो कि मुश्किल से मुश्किल यहाँ से 5 मिनट का वॉक है। 20 hours later। ठीक है सर। हाँ जी। आप जिस प्लेस में आए हैं, इस जगह नाम है सारनाथ। पहले सारनाथ नाम नहीं था, पहले नाम था ऋषि पतन मृग जाओ। जाओ मतलब जंगल, जो कि सब डियर। सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने 500 शिष्यों को उपदेश बैठ के दिए थे। बौद्ध धर्म का प्रचार सारनाथ से शुरू हुआ। 1931 में 70,000 रुपये में 70,000 मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर के अंदर में गौतम बुद्ध जी का अस्थि रखा हुआ है। हड्डी, असली हड्डी, रियल हड्डी रखी हुई है। क्या बात है यार, बहुत जबरदस्त। साल भर में एक बार निकलता भी है, कार्तिक पूर्णिमा नवंबर के महीने में निकालते हैं। और इस टेम्पल का नाम है मूल गंगा कुटी बिहार। मंदिर के अंदर जाएंगे गौतम बुद्ध जी का बड़ी सी स्टैचू मूर्ति देखेंगे। हाँ जी। देखने में एकदम गोल्ड, एकदम सोने के लगेगा, बाकी सोने का नहीं है। पत्थर का मूर्ति बना हुआ है, उसके सोने का गोल्ड पॉलिश किया हुआ है। तो दोस्तों ये जो बेल है 2010 किलो की है, अभी भैया ने बताया। और जब ये बजती है तो 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ जाती है। तो ऑब्वियसली यार 2010 किलो का मतलब दो टन की ये बेल है। तो दो हाथ लगते हैं इसको बजाने में। बहुत ही शानदार चीज़ है। तो यार बहुत ज़्यादा भारी है, देख के पता लग रहा है। इस पर मंत्र लिखे हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे हिंदू धर्म में ओम नमः शिवाय बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। श्रीलंका लोग बोल के जाप करते हैं। अच्छा। और इस पर मंत्र भी लिखे होते हैं। एक ही मंत्र इस पे जो इस पे मंत्र लिखा हुआ है। हाँ जी, वही मंत्र इस पे भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये घुमा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसको तिब्बत लोग, लद्दाख लोग हमेशा घुमाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और पीपल का पेड़ आपका 90 साल पुराना है। अच्छा, वो गौतम बुद्ध जी का बहुत ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे। हाँ जी। तुलसी का डाली काट के यहाँ पे लगा हुआ है, तीसरा ब्रांच है। अच्छा, तीसरा ब्रांच है। पहला ब्रांच बहुत गया बिहार में। अच्छा। दूसरा ब्रांच श्रीलंका में लगा हुआ है। हाँ जी। तीसरा ब्रांच सारनाथ में लगा हुआ है। तो दोस्तों दिस इज अ डिपिक्शन ऑफ गौतम बुद्ध गिविंग यू नो टीचिंग्स टू हिज फर्स्ट 5 disciples। तो यहाँ पे ही उन्होंने ये 5 अपने शिष्यों को वो दी थी, टीचिंग्स दी थी बुद्ध धर्म की। तो ये उसी का डिपिक्शन है। हाँ, जहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं से टीचिंग स्टार्ट हुई थी, ये इसी जगह से। तो जो असली जगह है जहाँ पे असली में उन्होंने टीचिंग दी थी, जस्ट टेंपल के पीछे है। तो वीडियो बने रहना, भी थोड़े 1-2 मिनट में हम वहाँ भी जाने वाले हैं। बाकी इस जगह की बुद्ध धर्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हम यहीं आके पता लगा बुद्ध धर्म के बारे में। सबसे बड़ी बात कि हमें ये मेजरली लोगों को नहीं पता उनकी अस्थियाँ, रियल अस्थियाँ, क्योंकि रियल अस्थियाँ यहाँ पे, ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, मतलब जानना। काफ़ी बढ़िया जगह है ये, और ये 90 साल पुराना पीपल का पेड़ है। तो काफ़ी ज़बरदस्त जगह है ये, मतलब आना बनता है यहाँ पे। अगर आप वाराणसी आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आए। बाकी चलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है एंड हमने म्यूज़ियम के टिकट ले लिया है 60 rupees, मतलब 30 each। लेट्स गो। वो है सामने म्यूज़ियम। सो नाउ वी हैव फाइनली एंटर्ड द आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम सारनाथ। तो बहुत ही क्या बोलूँ, स्ट्रेंज या बिजार रूल्स हैं आगे कि आपको फ़ोन अलाउड नहीं अंदर ले जाना, बट somehow कैमरा, डिजिटल कैमरास, कैमकॉर्डर्स यू कैन टेक, यू कैन टेक देम। ठीक है, तो तभी मैं शूट कर पा रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे मैंने टिकट ले ली, उसके बाद मैं अंदर घुसा, मैंने कहा अरे यार कि यहाँ पे तो GoPro अलाउड है, तो वो कहता है कैमरा अलाउड है, फ़ोन रख दो। मैंने कहा ठीक है, ये बढ़िया है, बहुत सही है। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, काफ़ी बढ़िया, वेल मेंटेन जगह है। तो पहले तो हम यहाँ पे आ नहीं रहे थे, फिर हमने कहा चलो देख ही लेते हैं जब आ गए हैं। तो इसके बाद हम स्तूपा जाएंगे देखने, तो लेट्स सी कैसा है म्यूज़ियम। ये यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि ये आर्टिफैक्ट्स हैं ना, जो स्तूपा है सामने, तो वहीं से ये खुदाई में निकले गए हैं। ये बहुत सालों पुराने हैं, देखिए 16th century CE, 7th century CE। तो
ये बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिफैक्ट्स हैं, मतलब दो हज़ार साल से पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पे और जो खुदाई में निकले हैं। ये देखिए ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। द म्यूजियम, और सच में मतलब मैंने तो नहीं सोचा था कि इतना ज़बरदस्त होगा भाई म्यूजियम। अच्छा, ये देखिए बलुआ पत्थर अम्ब्रेला, फर्स्ट सेंचुरी सी में, देखिए कितना पुराना है ये, मतलब उस एक्सकवेशन साइट जहाँ पे स्टूपा है वो स्टूपा से ये सब निकला है खुदाई में। ये देखिए कितना बड़ा है ये भाई, बहुत ही बड़ा है, तो फ्रेम में भी नहीं आ पा रहा। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। कैसे इसको प्रिजर्व किया कि चटके ना, यहाँ पे लेके कैसे आए होंगे ये? नहीं, वो चटका तो है, वो जोड़ा है भाई, जोड़ा है, इतना मुश्किल काम है, कितना हैवी होगा ये, बहुत ज़्यादा भाई, काफ़ी ज़बरदस्त जगह है यार ये। बुद्ध इन प्रोडक्शन गिविंग पॉस्चर, फिफ्थ सेंचुरी, मतलब बहुत ही पुराने पुराने आर्टिफैक्ट है। ये देखिए व्हील रहा होगा, ये अशोक का चक्र था, हाँ चक्रखंड, पीस ऑफ चक्र ऑफ लायन कैपिटल। ये भी अभी पूरा नहीं है, मतलब जितने भी उसके अवशेष मिले हैं रिमेनिंग्स यहाँ पे लगता है। ये देखिए गाइस अशोका चक्र जो हमारे उस पे है फ्लैग पे। और अच्छा, तो दिस इज दी क्या बोलूँ, USP ऑफ दिस म्यूजियम, प्राइस पोजेशन। सच में मजाक की बात है, काफ़ी शानदार ये लॉर्ड शिवा की ये स्टैचू है, दैट ही इज किलिंग अ डीमन अंधकासुर, हाँ अंधकासुर, एंड जो उनकी फॉर्म है ही हैज़ 10 हैंड्स, फियर्स बैटल, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके बारे में। तो हमने म्यूजियम का पूरा टूर ले लिया है, और म्यूजियम मतलब अबव एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ऊपर था, काफ़ी जो यहाँ के आर्टिफैक्ट्स हैं आपको अभी आ रहे होंगे दृश्य, थोड़ा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं भैया ने रोक दिया था। और अंदर के आर्टिफैक्ट्स यार हज़ारों साल पुराने, जो शिवजी की मेन मूर्ति थी जो अभी आपको आ रही होगी स्क्रीन पे, ये मूर्ति ने दिल जीत लिया यार असम से, बहुत ज़बरदस्त, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी ज़बरदस्त। और उनका जो रूप है जो 10 हाथों वाला, जो उसमें पूरी स्टोरी लिखी हुई है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको अभी नीचे फ्लैश हो रही होगी पूरी स्टोरी उसकी मूर्ति की, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार था। बाकी अब हमारा लास्ट जो पॉइंट है स्टूपा, स्टूपा देखे जा रहे हैं, ये है वो एक्सकेवेशन साइट जहाँ से वो आर्टिफैक्ट्स जो अभी हमने कुछ देर पहले देखे थे निकाले गए हैं। सो गाइस इसे बोलते हैं अशोकन पिलर्स, तो ये एम्परर अशोक ने बनवाए थे पिलर्स, बहुत ही पुराने हैं। इन पे देखो, अगर ध्यान से आप देखोगे ना, सामने नक्काशी की गई है इन पे, मतलब पुरानी लैंग्वेज में। इसके अंदर जाना तो मना है, मतलब किसी भी ये एक्सकेवेटेड साइट के ऊपर इवन कदम रखना भी मना है, तो ऐसे दिखाऊंगा मैं आपको। बट बहुत ही ज़बरदस्त जगह है यार ये, आपको दिखेंगे तो मतलब आपको पीसेज ऑफ हिस्ट्री हर जगह दिखेंगी। हमने इतनी सी छोटी सी जगह में कितना कुछ देख लिया हिस्ट्री का। ये देखिए कैसे यहाँ पे ये पत्थर हैं पुराने नक्काशी की गए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त साइट है ये। ये देखिए दोस्तों कैसे पुरानी सिविलाइजेशन के ये रिमेन्स हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे मंदिर था, या जो भी, मतलब कि बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए, आप बुद्धिज़्म की यहाँ पे वर्शिप करने के लिए जो टेंपल था उसके रिमेन्स है। ये देखिए आपको ऐसा दिखेगा जैसे सेक्शन है, यहाँ पे कोई एक पिलर रहा होगा, कोई सेक्शन रहा होगा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुंड रहा होगा या फिर जो भी रहा होगा, मतलब मेडिटेशन सेंटर रहा होगा कुछ, ये सीढ़ियाँ बनी हुई उतरने के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी जगह है ये, मतलब अब तो हम तो इमेजिन नहीं कर सकते क्या जगह रही होगी। बट जो हमने आर्टिफैक्ट्स देखे इससे पहले म्यूजियम में, उससे हमें साफ पता लग रहा है कितने एडवांस थे पहले के लोग भी, क्या टेक्नोलॉजी थी उनके पास जो उन्होंने ऐसे आर्टिफैक्ट्स क्रिएट करे हैं खुद से, तो हैट्स ऑफ है। चलिए अब सीधा लास्ट स्टूपा पे मिलते हैं और इस वीडियो को एंड करेंगे। सो फाइनली दोस्तों वी हैव रीच्ड नियर द स्टूपा, और ज़बरदस्त है, मतलब दूर से जितना अमेजिंग दिखता ही दिखता है ये, पास आके पता लगता है कि ये स्टूपा है। इस पे यहाँ पे देखो एक कार्विंग्स करी गई है, नक्काशी करी गई है जो कि 2000 साल से भी पुरानी है, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है ये, और इसकी जो कार्विंग्स है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया कार्विंग्स है। लेट्स डू दी रोटेशन क्लॉकवाइज, क्या बात है यार, ज़बरदस्त है ना नीलांश? हाँ भाई काफ़ी, बहुत ही ज़बरदस्त है यार, तो क्या साइज है, सच में पास आके पता लग रहा है कितना बड़ा साइज है भाई इसका, सच में भाई अभी तक प्रिजर्व्ड है ये जगह, तो ज़रूर आना यहाँ पे। देखिए पूरी
हिस्ट्री वाराणसी की, कैसे कब क्या था पहले, ये यहाँ से कैसे निकाला गया है। ये एक्सकवेशन साइट थी, तो जब ये निकाला था म्यूजियम में प्लेस करने से पहले, यहाँ पे ये उसकी फोटोज हैं सारी। ये देखिए, ये स्टूपा पहले ऐसे दिखता था रिनोवेट करने से पहले। दिस इज दी ओरिजिनल पिक्चर व्हेन एवर दे फाउंड इट। क्या बात है, ये देखिए ऐसी थी पहले एक्सकवेशन साइट पूरी रिनोवेट होने से पहले। तो यही था दोस्तों, अभी हम चलेंगे लास्ट पे दुर्गा माता के दर्शन करने एंड संकट मोचन मंदिर, और फिर करेंगे अपना वाराणसी ब्लॉग को एंड। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए सफर पे, टिल देन पीस आउट।